Kevin, Kamma Ganisa. Welcome back to our YouTube channel, Father and Son. And very very good morning आप सबको मेरे और मेरे पापा की तरफ से. और जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हम आ चुके हैं पुष्कर में. एंड आज के ब्लॉग में मैं और मेरे पापा आपको बताने वाले हैं कि आप पुष्कर में कहाँ पे घूम सकते हो. एंड साथ में आपको होटल रूम के बारे में बताएंगे. एंड साथ में हम आपको बताएंगे कि यहाँ का आपको फेमस स्ट्रीट फूड कहाँ पे मिलेगा. सो शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो वीडियो की शुरुआत होटल रूम से ही करते हैं. वैसे तो पुष्कर में आपको 1000 से लेकर 2000 तक में बहुत ही अच्छे अच्छे रूम्स मिल जाएंगे. और हमने स्टे किया था होटल सैंड फीस्ट में और इन लोग के रूम काफ़ी ही अच्छे थे. आप रूम चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छे रूम्स थे और इन लोग का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था और सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी. साथ ही साथ आपको इसी होटल में एक रेस्टोरेंट मिल जाता है सैंड फीस्ट के तरफ से, जहाँ का राजस्थानी खाना बहुत अच्छा था. और अगर आपको इटालियन फूड ट्राई करना है तो यहाँ पे आप ज़रूर करना, ये मेरी रिकमेंड है, क्योंकि यहाँ का इटालियन फूड काफ़ी अच्छा था. और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ में स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा. अगर आप जा रहे हो पुष्कर तो ये वाली होटल में आप जरूर स्टे कीजिए, काफ़ी अच्छी होटल है और काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है. ओके फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो हम हैं पुष्कर की गलियों में और आप सभी को मेरे और मेरे पापा की तरफ से हर हर पुष्करनाथ. और सबसे पहले हम जा रहे हैं ब्रह्मा घाट पे, जो है ब्रह्मा जी का जल स्वरूप में वहाँ पे दर्शन होता है, तो पहले हम वहीं पे जा रहे हैं. सो लेट्स गो. अभी हम आ चुके हैं ब्रह्म सरोवर पे. और कहा जाता है कि लोग ब्रह्मा मंदिर आने से पहले या सरोवर पे आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं. और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आपको ये भैया, आपका नाम क्या भैया? आशीष. ये पूरे सरोवर का नाम है भगवान ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर, जिसके लिए आप आए हैं पुष्कर दर्शन करने के लिए. पुष्कर कोई मंदिर मूर्ति का नाम नहीं, जल का नाम ही पुष्कर है. ये सरोवर के चारों तरफ राउंड में जो स्टेप नजर आ रहे हैं, ये अलग अलग राजा महाराजाओं के 52 घाट है. तो यहाँ पे आशीष जी ने हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया कि क्यों यहाँ पे ब्रह्मा जी का एक ही तीर्थ स्थल है और उसके पीछे है एक इतिहास. तो बाबा, इतिहास कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी एक यज्ञ परफॉर्म कर रहे थे. एक यज्ञ यहाँ पे होने वाला था जिसमें उनको अपने वाइफ की जरूरत थी, जो थे सरस्वती माता. तो यज्ञ के समय पे सरस्वती माता नहीं आ पाए, तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक लोकल लेडी से शादी कर ली, जो थे गायत्री माता. एंड गायत्री माता के साथ शादी करने के बाद ब्रह्मा जी ये यज्ञ को करते हैं परफॉर्म. और ये बात जब सरस्वती माता को पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो ब्रह्मा जी को एक श्राप देते हैं कि आपको पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में कोई नहीं पूजेगा और आपका सिर्फ एक ही तीर्थ स्थल होगा, जो है पुष्कर में. और उसके वजह से सिर्फ पुष्कर में ही है ब्रह्मा जी का मंदिर. सुख शांति के लिए ये यहाँ का मुख्य घाट है ब्रह्मा सावित्री घाट. तो जो फैमिली पर्सन आता है अकेला हस्बैंड वाइफ आता है, परिवार से आता है, इसी जल का बैठ के विश्व मनोकामना मांगता है. ये यहाँ का शाम को आरती होता है सरोवर जी, यहाँ बैठिए. अभी हम खड़े हैं जिसका नाम ब्रह्मा गावित्री घाट है और यहाँ पे हमने पूजा अर्चना कर ली है अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने घर के स्वजनों के लिए. और ये वही स्थल है जहाँ पे रोज शाम को ये घाट में आरती होती है. तो ये सामने वो घाट है, हम वहीं पे खड़े हैं. तो अभी हमारी पूजा हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए. अभी हम जा रहे हैं ब्रह्मा जी के मंदिर पुष्कर बाजार से होते हुए और इस बाजार में आपको कमाल के हैंड आर्टवर्क्स देखने को मिल जाते हैं. साथ ही में यहाँ पे आपको ज्वेलरी, कपड़े और खिलौनों से लेके तलवारें भी मिल जाएगी. और अगर आप खाने के शौकीन हो तो ये बाजार नेवर डिसअपॉइंट यू. अभी हम आ चुके हैं ब्रह्मा जी के मंदिर पे ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए. तो जो हमारे पीछे है ब्रह्मा मंदिर है, हम अभी दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन हम आपको दर्शन नहीं करवा पाएंगे क्योंकि अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं है.
तो मंदिर के अंदर हमको शूट नहीं करने दिया था, बस इतना ही शूट किया था हमने। एंड कुछ इसी तरीके से हमें ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं। ये फोटो मैंने गूगल इमेज से लिया है। ब्रह्मा जी के मंदिर में हमें ब्रह्मा जी के दर्शन अच्छी तरह हो गए हैं। और मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो सुबह में 6 बजे ओपन होता है और 1:30 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद 4 बजे ओपन होगा और 8 बजे तक खुला रहेगा, तो आप यही टाइमिंग पे दर्शन कर सकते हो। और मंदिर की बात करें तो प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है, अच्छा मंदिर है, आप एक बार आए और साक्षात ब्रह्मा जी के दर्शन करें। तो अभी हमारे यहाँ पे ब्रह्मा जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हो चुके हैं। एंड इसके बाद हम आगे के पॉइंट्स दिखाएंगे आपको कि और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप यहाँ पे घूम सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मॉर्निंग का समय है और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो राजस्थान आए हैं, पुष्कर आए हैं और कचौरी ना खाए ऐसा बन नहीं सकता। सो लेट्स गो। तो कचौरी आपको पुष्कर में कहीं पे भी मिल जाएगी, बट एक शॉप है जहाँ पे इंडियन से लेके फॉरेनर से लेके पुष्कर की लोकल पब्लिक भी वहाँ पे जाके कचौरी खाती है, और वो है मोहन भुजिया वाले। वो आपको लोकल मार्केट के अंदर ये शॉप मिल जाएगी, किसी भी लोकल पब्लिक को पूछ लेना। और काफ़ी अच्छी कचौरी थी यार, एक बार वहाँ पे जाना और टेस्ट ज़रूर करना। हम आ चुके हैं अपने 3rd पॉइंट पे, और ये भी काफ़ी मुख्य पॉइंट है और काफ़ी लोगों को पता नहीं, अभी नया नया बना है। बट ये पॉइंट है अपना पुष्कर में सावित्री माता का, जहाँ पे आपको सावित्री माता के दर्शन होते हैं, और यहाँ से आपको रोपवे लेके जाती है वो ऊपर मंदिर तक। और अभी हम पहले से लेट हो चुके हैं, तो चलो फटाफट चलते हैं माता के दर्शन के लिए। ले ली है और मंदिर का 12 बजे का टाइम है बंद होने का, और अभी बचे 11:30। और ये टिकट का प्राइस है 165 पर पर्सन। तो चलिए चलते हैं माता जी के दर्शन के लिए और दिखाते हैं रोपवे में से व्यूज कैसे। अभी हम रोपवे में बैठ चुके हैं और काफ़ी अच्छे व्यूज दिख रहे हैं यहाँ से पुष्कर के। एंड आप देख सकते हो ये पैडल मार के, मतलब अगर कोई चल के आ रहा है तो आप देख सकते हो जैसे चल के भी आ सकता है, बट ज़्यादातर अब लोग रोपवे पे आते हैं और रोपवे से आपको व्यूज काफ़ी अच्छे दिखे। चुके हैं सावित्री देवी के मंदिर पे माता का दर्शन करने के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। ये इनका एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है, वहाँ से अंदर जाएं। तो अभी अपने माता के दर्शन हो चुके हैं, काफी अच्छे दर्शन हुए, बट अंडर शूटिंग अलाउड नहीं है तो मैंने शूट नहीं किया। और काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो शूट नहीं करनी रहती, क्योंकि किसी चीज़ की महिमा रहती है वो हर वक्त अपने वीडियो में देख के वो कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और उनके दर्शन करने पड़ेंगे। बट दर्शन के बाद जब आप मंदिर से बाहर आते हो तो यहाँ से आपको पुष्कर के काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ दिखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ से।
माता जी के दर्शन के बाद हम आ चुके हैं रेगिस्तान में, और माता जी का मंदिर से ये सिर्फ 5 या 6 मिनट की दूरी पे, ज़्यादा नहीं है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे राइड्स होती है सारी। भाई यहाँ पे सफारी का किस तरीके से होता है थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो। ये पहले आते थार पे, बाद में करते हैं कैमल राइड, उसके बाद में होता है ATV बाइक, कैमल्स है, हॉर्स है, जो चाहता है वो कस्टमर को मिल जाता है। अच्छा, एंड डायरेक्ट आना चाहते हो सीधा रोड है, मुश्किल से रोड आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे कौन सी चीज़ इन्जॉय करते हैं? ज़्यादा थार वही यूज़ करते हैं, थार वाले इन्जॉय करते हैं। थार वाला यहाँ पे ही होता है? हाँ, थार वाला क्या है, एडवेंचर होता है, इधर से नीचे से घुमाते हैं, फिर इसे ऊपर घुमाते हैं, इधर उधर है। एक जीप बुक करवाना कि जिसमें कितना पैसेंजर रहता है? उसमें 6% एक जीप में 6%। उसका क्या चार्जेस होता है? 200 रुपये पर मेंबर। तो वैसे ही आप यहाँ पे आ सकते हो और कुछ इस तरीके से राइड कर सकते हो। सो कैवियन, अपनी पुष्कर की ट्रिप यहाँ पर ही कंप्लीट होती है, और बहुत ही अच्छा लगा पुष्कर में आके। और पुष्कर की ये प्राचीन और पवित्र धरती से अभी हम लेते हैं विदाई, और अभी हम जा रहे हैं अपनी आगे की डेस्टिनी के तरफ जो है चित्तौड़गढ़। तो अब हम मिलेगा आपको वहाँ पे ही डायरेक्ट, बट ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो हमने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, वो भी अगले डेस्टिनी पे। तब तक के लिए हर हर महादेव।